हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नोट्स स्पेशल में। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं ये साइंस का वीडियो है। इससे पहले हम 4 चैप्टर आपके लिए करवा चुके हैं जो कि एचएसएससी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनका संपूर्ण हल हम आपको करवा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जो आगे एग्जाम आने वाले हैं उनमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप हरियाणा पुलिस और सब इंस्पेक्टर के प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो हमने दूसरे चैनल के ऊपर 11 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप उन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम चैनल का लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ लिंक के ऊपर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और इन वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसा और कोई चैनल नहीं है जो आपको थोड़े से टाइम में इतना सब कुछ प्रदान कर रहा है। तो आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, और सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन रिंग का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर का नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एचएसएससी में पीछे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम आपको पूर्ण हल सहित करवा रहे हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। तो आपको पता है ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है वो किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है जो एसी वोल्टेज उसको बढ़ाने या कम करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र है जो ऊंच एसी वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को ऊंच एसी वोल्टेज में बदल देता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी यानी एसी के लिए ही प्रयुक्त है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है बात। उसके बाद देखिए, विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व होता है। तो विद्युत तंतु में टंगस्टन होता है। विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन, किसने किया था आविष्कार? एडिसन ने। इसमें अक्रिय गैस आर्गन और नियॉन भरी होती है। कौन सी? आर्गन और नियॉन। इसका प्रकाशिक फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। कौन सी धातु का? टंगस्टन का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखने योग्य। उसके बाद संचाई बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सीसा। ठीक है, संचाई बैटरियों में जो धातु प्रयुक्त होती है वो सीसा है। यहाँ देख लीजिए, ऐसा विद्युत रासायनिक सेल जिसे पुनः चार्ज किया जा सकता है तो संचायक सेल कहलाता है। ठीक है, जैसे लेड संचायक सेल। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है एमीटर के द्वारा। ठीक है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? मोटर। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर कौन सा है? जो विभवांतर मापने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन बन गए एक ही क्वेश्चन से, तो ज़रूर याद कर लीजिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। तो विद्युत धारा के लिए जो हम जनरेटर है उसका यूज करते हैं। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पीछे क्वेश्चन में आ चुका, मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलती है, और जो गैल्वेनोमीटर है ये विभवांतर मापने में प्रयुक्त होता है। उसके बाद विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है, तो एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसमें नीचे क्या दिया गया है ये पढ़ लीजिए। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से? एक तो एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड तो कौन सा होता है? पॉजिटिव। वह ध्रुव जहाँ इलेक्ट्रॉनों का व्यय होता है और ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, एनोड के ऊपर। तो और कैथोड पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। वह ध्रुव जहाँ इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है और अपचयन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। वोल्टमीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ में दो सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर आमतौर पर संयोजित किया जाता है, तो कौन सी श्रेणी में होता है? समानांतर क्रम में होता है ये। ठीक है, नीचे देखिए, विद्युत परिपथ में चूंकि विभवांतर का मान समांतर क्रम में समान रहता है, इसलिए विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत धारा मापने हेतु एमीटर श्रृंखला क्रम में जोड़े जाते हैं। एमीटर किस में? श्रृंखला में जोड़ते हैं। किसको मापने के लिए? विद्युत धारा को मापने के लिए। जब किसी एक दंड चुंबक के
दो टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, दो छोटे चुंबक प्राप्त होते हैं, ठीक है। किसी चुंबक को तोड़कर उसके दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुंबक के दोनों ध्रुव उत्तर व दक्षिण दिशाओं को स्पष्ट करते हैं। चूँकि दिशाएँ खत्म नहीं हो सकती, अतएव चुंबक के ध्रुव भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकन का उपयोग होता है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की मीट्रिक इकाई क्या है, टेस्ला है। गॉस किसकी इकाई है, चुंबकीय फ्लक्स की है। और घनत्व की सीजीएस इकाई कौन सी है, सॉरी जो गॉस है ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की सीजीएस इकाई है, और एक है आरस्टेड, ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसी से डीसी में रूपांतरण क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, दिष्टकरण यानी रेक्टिफायर, ठीक है। प्रतिवर्ती धारा कौन सी है, यानी एसी, ऐसी धारा जो अपनी दिशा नियतकालीन बदलते रहे, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या होती है, ऐसी धारा जिसकी दिशा अपरिवर्तित रहे। एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर होता है, तथा बदलने की प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी बैटरी रखरखाव मुक्त नहीं है, कौन सी नहीं है जो NICD है ये बैटरी, ठीक है। उसके बाद निम्न में से किस विद्युत उपकरण को मापन के लिए उसी रूप में जुड़ा होना चाहिए, तो किस में होना चाहिए, वोल्ट मीटर और वाट मीटर में, ठीक है। वाट मीटर तो शक्ति मापी है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापी है। ओम नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा है, कौन सा है, रैखिक है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ओम नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है, R I, I क्या होता है यहाँ पे विद्युत धारा, R जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, V वोल्टेज है, ठीक है। ये डायग्राम आप देख लीजिए। फ्यूज तार में क्या होना चाहिए, फ्यूज तार में होना चाहिए ऊंच तो प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। विद्युत उपकरणों में उन पर अंकित निर्धारण धारा से अधिक धारा प्रवाह होने से रोकने की युक्ति को विद्युत फ्यूज कहते हैं। फ्यूज तार में शीर्षा जो है 67% और टीन जो है 33% होता है, ठीक है। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध जो पृथ्वी का ये अनंत है, ठीक। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है आपने, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसका सॉल्यूशन पढ़िए। उपरोक्त प्रश्न गलत है, इस प्रश्न के विकल्प ए बी डी गलत है, ए बी डी गलत हैं। अतः प्रश्न ये होना चाहिए था कि कौन सा विकल्प सही है, तो इसका उत्तर विकल्प सी और डी आता। तो मतलब ये दोनों जो ऑप्शन है आपके, एक तो एमीटर सीरीज में जुड़ा होता है, ये बात ठीक है। दूसरी बात है, तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा, तो ये भी ठीक है। ये दोनों बात ठीक होनी चाहिए थी, क्वेश्चन गलत पुट कर रखा है इन्होंने। उसके बाद देखिए, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बना होता है जिसका गलनांक क्या हो, कम हो, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा अगर वोल्टेज आती है तो एकदम से फ्यूज उड़ जाता है, इसीलिए, ठीक है, गलनांक कम हो उसका और प्रतिरोध क्या हो, ऊंच हो। निम्न में से कौन सा पदार्थ ट्रांसफार्मर का कोर बनाने में प्रयोग होता है, तो नरम लोहा, ठीक है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ऐसा यंत्र है जो ऊंच एसी वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न एसी को ऊंच में बदल देता है, ठीक है। यह केवल एसी के लिए ही प्रयुक्त होता है, ये आपको पहले बताया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक स्पर्शजा गल्वेनोमीटर के कुंडली के फेरों की संख्या तथा उसकी त्रिज्या को दुगुना किया जाता है तो परिवर्तन गुणांक के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो के ही रहेगा, ठीक है। ये फार्मूला है, आप इसको पढ़ लीजिए, के इक्वल टू 2BR2/UN। सूत्र से स्पष्ट है कि दोनों त्रिज्या आर व फेरों की संख्या एन में समान वृद्धि कोई प्रभाव नहीं डालती, ठीक है। उसके बाद धनात्मक आवेश वहन करते ही कण अचानक पृथ्वी की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उनको किस तरफ विक्षेपित करेगा, तो किस तरफ करेगा, पूर्व की ओर। नेक्स्ट देखिए, एक अचिह्नित घोड़े की नाल चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात किया जा सकता है, कैसे, चुंबकीय कंपास द्वारा। किसी भी चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात करने में चुंबकीय कंपास सहायता करता है। चुंबकीय कंपास में दो ध्रुव चिन्हित होते हैं, जैसे ही कंपास को चुंबक के पास लाया जाएगा या तो चुंबकीय सुई चुंबक की ओर आकर्षित होगी या फिर विक्षेपित होगी। इस प्रकार निर्णय किया जा सकेगा कि चुंबक के ध्रुव कौन कौन से हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। वोल्टेज में कम या अधिक करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, तो पीछे आ चुका है ट्रांसफार्मर। पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, तो हाइड्रोजन 2 और 1, जैसे H2O होता है ना, H2O में देखिए हमारे पास हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, 2H+O2, ठीक है, क्या बनता है H2O, ठीक है। दो प्रतिरोधों को 24 ओम और 6 ओम की श्रेणी में संयोजित किया जाता है, तो परिपथ की कुल प्रतिरोधकता अगर देख लीजिए, अगर श्रेणी में है तो सीधा ही इनको जोड़ देंगे, 24 और 6 30, तो कोई क्या आंसर होगा, 30 हो गया, ठीक है। अगर सीरीज में होते तो 1/2 करके हम इनको जोड़ देते। बिजली विद्युत शक्ति की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई कौन सी है, तो ये है वाट। ओम जो है आवेश का मात्रक है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, और वोल्ट जो विभव का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एक बिजली बल्ब एक 240 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है, करंट 0.5A है, बल्ब की विद्युत शक्ति क्या है, तो ये पीछे अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें भी दिया हुआ था। तो यहाँ पे पावर देखिए क्या आ जाएगी, वोल्टेज इंटू करंट, हमारे पास कितनी है पी, हमको निकालनी है विद्युत शक्ति, तो वोल्टेज कितनी हमारे पास 240 है और करंट कितना है 0.5, तो इन दोनों के हम गुना कर देंगे, तो गुना कितनी आ जाएगी हमारे पास 120 वाट, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना ये फार्मूला, P = VI। विद्युत आवेश की इकाई है, तो विद्युत आवेश की इकाई जो है कौन सी है, ये है कूलम्ब, ठीक है। एम्पियर जो विद्युत धारा की है, वोल्ट जो विद्युत वैभव की है, और विद्युत शक्ति क्या है वाट। उसके बाद एक वॉशिंग मशीन में एक इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है, मोटर जो बदलती है विद्युत को यांत्रिक में बदलती है, पीछे आ चुका है ये क्वेश्चन। बार चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह किस दिशा की ओर इशारा करती है, तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण की ओर। अगर एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक दक्षिण उत्तर की तरफ इशारा करेगा, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दक्षिण ध्रुव पर है, ठीक है, और कहीं नहीं है, ओनली उत्तर और दक्षिण की तरफ है। उसके बाद निम्न में से कौन सा तत्व ऊर्जा प्राप्त करता है और उसके बाद या तो गर्मी में परिवर्तित हो जाता है या उसे विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित करता है, तो देख लीजिए वो है निष्क्रिय, ठीक है। यहाँ पे आप निष्क्रिय तत्व के बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले विद्युत सर्किट तत्व सर्किट से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं या सर्किट में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके आधार पर दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, एक तो होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय कौन से सर्किट तत्व जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं या ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, या तो इसे गर्मी में परिवर्तित करते हैं या इसे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित करते हैं, तो इन्हें ही निष्क्रिय सर्किट कहते हैं। उदाहरण जैसे प्रतिरोधी है, प्रेरक है, संगारित्र है इत्यादि, ठीक है। और दूसरा पार्ट है सक्रिय सर्किट तत्व, ये कौन से होते हैं जो सर्किट को ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, उन्हें सक्रिय सर्किट तत्व कहते हैं। जैसे वोल्टेज स्रोत, वर्तमान स्रोत, जनरेटर, ट्रांजिस्टर आदि क्या है, ये सक्रिय सर्किट तत्व हैं। द्विपक्षीय या दो तरफा, ये होता है एक परिणाम के साथ सर्किट तत्वों में दोनों दिशाओं में वर्तमान की चाल को द्विपक्षीय सर्किट तत्व कहा जाता है। उदाहरण क्या है, एक तो प्रतिरोधी है, प्रेरक है, संगारित्र है आदि। एक तरफा कौन से होते हैं, एक दिशा में वर्तमान को संचालन को एक तरफा तत्व कहते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, जैसे एसी को एसी में ना, तो ये क्या हो गया एक तरफा सर्किट तत्व है। एक गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, एक गीगा का मतलब 10^9, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए मुक्त स्थान की परम विद्युत अनुपति का मान कितना होता है, तो ये होता है 8.854×10^12 फैराडे पर मीटर, ठीक है। चालकता का सही मात्रा क्या है, मोह पर मीटर, ठीक है। तो देखिए ओम तो होता है विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक, और इसका उल्टा मोहो ये होता है विद्युत चालकता का सही मात्रक, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर में उपयोग किए जाने वाले तत्वों की सामग्री क्या है, तो इलेक्ट्रिक हीटर में निक्रोम या नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। विद्युत हीटर वह युक्ति है जिसे विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, इसका एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोध ऊंच होता है, साथ ही नाइक्रोम क्रोमियम ऑक्साइड की एक परत बनाता है जो अपने नीचे के तत्व को टूट फूट से बचाती है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फ्यूज तार में उपयोग होने वाली सामग्रियों की संरचना क्या है। तो पीछे बता चुके हैं हम, 67% तो उसमें शीशा होता है और 33% टीन होता है। ठीक है, फ्यूज तार विद्युत धारा का तापीय प्रभाव सिद्धांत पर निर्भर करता है। फ्यूज तार का गलनांक कम और प्रतिरोध क्या होता है, ऊंच होता है। इंसुलेटर के मामले में तापमान में कमी आने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, तो बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी तापमान में अगर कमी आ गई है तो। एक स्थायी चुंबक मूवी कॉइल का प्रयोग एक खालिस्तान के रूप में किया जाता है ताकि इसकी दिशा और शक्ति के साथ करंट के छोटे मान को भी मापा जा सके। तो ये कौन सा होता है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक पदार्थ की अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम धारणता, रिटेनिटिविटी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है, दिए गए क्षेत्रफल में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता का गुजरना, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय शक्ति क्या होता है, जिस हद तक किसी पदार्थ को चुंबकीय बनाया जा सके उसे चुंबकीय शक्ति कहते हैं। इनमें से कौन सा एक निर्भर विद्युत स्रोत नहीं है, तो निर्भर कौन सा नहीं है, सर्किट के पास एक तांबे का प्रतिरोध। जैसे देखिए, ट्रांजिस्टर, ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर इत्यादि सभी यंत्र बैटरी या विद्युत स्रोत के बिना नहीं चलाए जा सकते। ठीक है, ट्रांसफार्मर खालिस्तान तत्व का एक उदाहरण है, तो पीछे आ चुका निष्क्रिय तत्व का, जो एक दिशा में काम करे। ट्रांसफार्मर एक निष्क्रिय तत्व क्योंकि ये केवल वोल्टेज को अधिक या कम करते हैं, सर्किट को ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। अधिक जानकारी के लिए आप पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके विवरण पढ़ लें। ठीक है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाली पतली धात्विक तार से क्या बनता है, आपके पास ऑप्शन है तांबा, चांदी, टंगस्टन और निक्रोम। तो कौन सा बनता है इससे, टंगस्टन, ऑप्शन सी राइट आपका। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था, इसमें आर्गन और नियोन गैस भरी जाती है और ये प्रकाशीय फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए निम्नलिखित कौन सी इकाई इस्तेमाल होती है, तो वाट। ठीक है, जूल किसके कार्य और ऊर्जा की, वाट किसके विद्युत शक्ति की, एम्पियर है विद्युत धारा की और वोल्ट है विद्युत विभव की। उसके बाद न्यूमेरिकल देखिए, क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम मान रखने वाले तीन प्रतिरोधकों को एक दूसरे के साथ पार्श्व या पैरेलल क्रम में संयोजित किया जाता है। पैरेलल में हमने बताया था 1/2 में करके जोड़ देंगे, तो ये आपके पास फार्मूला है, 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। आपके पास वैल्यू दे रखे हैं R1, R2, R3 की, इनको पुट करके आपके पास आंसर आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट और 10.6 × 10⁶ के बराबर। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से कहाँ से आया है ये, तो ये आपके पास सॉल्यूशन है इसका। उसके बाद देखिए, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो वेबर का इस्तेमाल करते हैं। पास्कल जो दाब की है, फेराइड जो धारिता की है, बैटरी की खोज की थी वोल्टा ने, बैटरी का आविष्कार सन 1800 में वोल्टा ने किया, और एनरिको फर्मी ये किससे संबंधित है, नाभिकीय विज्ञान से संबंधित है एनरिको फर्मी। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक सेल में खालिस्तान ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, इलेक्ट्रिक सेल में कौन सी ऊर्जा को बदलते हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल में बदलते हैं हम रासायनिक ऊर्जा को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए, ये एग्जाम में बहुत आते हैं आजकल ऐसे। एक देश में एक विशेष वर्ष में उत्पादित कुल विद्युत ऊर्जा इतनी है, तो ऊर्जा में बदले गए भार की मात्रा निकालनी है आपने, तो इसके लिए आपके पास फार्मूला जो है ये यहाँ दिया गया है, इसको देख लीजिए, ई आपके पास ये दिया हुआ है और E=mc² फार्मूला होता है, आइंस्टीन ने दिया था। तो यहाँ पे 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁶, तो यहाँ पे इन दोनों की गुना कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास 27 × 10⁻¹ जूल, और यहाँ पे नियम है हमारे पास E=mc², ये जो निकल के आया है ये ई आया है, तो ई की वैल्यू इसमें हम रख देंगे, एम सी स्क्वेयर हमारे पास जो दे रखा है वो कर देंगे पुट इसमें, 3 × 10⁸, और उसका स्क्वेयर सी का मान होता ही है अपवर्तनांक का, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, तो आपके पास एम जो है 30 kg आ जाएगा। अपेक्षाकृत विद्युत कणों का उच्च संकेंद्रण यह खालिस्तान की विशेषता है, तो ये आयन मंडल की विशेषता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से आप देख लीजिए, x और y दर्शाते हैं, तो x क्या है यहाँ पे और y क्या है, ठीक है, ये तो x है और ये क्या है, y है, तो ये बताना आपने, ये तो है बैटरी और ये क्या है आपको ये बताना है, तो ये आ जाएगा बैटरी और एमीटर, ठीक है। विद्युत के बल्ब किस तंतु से बने होते हैं, तो टंगस्टन से बने होते हैं, पहले बता चुके हैं, ये देख लीजिए फिर से एक बार, विद्युत बल्ब का उसका रेडिएशन ने किया, दो गैस होती हैं इसमें आर्गन और नियोन, और प्रकाशिक फिलामेंट टंगस्टन धातु से बनाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट इससे कुछ ना कुछ सीख सके और आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। आप भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।